नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो मेरा नाम पारस है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं कभी भी नई वीडियो चढ़ाऊँ तो आपका वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मैं आज आपको बताऊंगा घर पर टब वाली साबुन कैसे बना सकते हैं। तो घर पर टब वाली साबुन बनाने के लिए आप हमारा पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको कोई भी सामग्री ना मिले तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से जाकर खरीद सकते हैं। और साबुन से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने कई प्रकार की साबुन बनाई है, आप वो जाकर भी देख सकते हैं वहाँ पर। और इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, नहीं तो एक भी स्टेप छूट गया तो आपकी साबुन ख़राब हो सकती है। तो मेरा यही कहना है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए वरना आप अभी भी वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कपड़े धोने की साबुन बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यक सामग्री में हम लेंगे कास्टिक सोडा, जो कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास कास्टिक सोडा है जो कि आधा किलो का है। मैं इसका आधा हिस्सा ही यूज लेने वाला हूँ आज। तो आप देख सकते हैं ये कास्टिक सोडा लाना हमें बाज़ार पे भी मिल जाएगा और हम ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। और हमें साबुन जमाने के लिए दो टब की आवश्यकता होगी, खाली टब की। तो आप देख सकते हैं मैंने ले लिया। और हमें अब आज मैं साबुन बनाने जा रहा हूँ तेल से। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक लीटर तेल है सोयाबीन का, जो कि आप देख सकते हैं इस प्रकार का तेल है मेरे पास। आपको अगर आप घी से भी बना सकते हैं। और ये मेरे पास है आधा किलो, लगभग आधा किलो आटा गेहूं का। और अब हमें दो बाल्टी लेनी है खाली, जिसमें हम इस मिश्रण को बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास दो खाली बाल्टी है। और चलिए अब हम इस साबुन को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें खाली बाल्टी की आवश्यकता होगी और इस बाल्टी में हम दो बोतल की सहायता से दो लीटर पानी डालेंगे, जो कि आप देख सकते हैं मैंने दो बोतल की सहायता से पानी डाल रहा हूँ इसमें, क्योंकि दो लीटर पानी चाहिए। हमारे पास सभी के घर में अवेलेबल नहीं है पानी नापने का कोई भी साधन, तो इसलिए मैंने दो बोतल लिया है। और अब हम लेंगे कास्टिक सोडा, जो कि मैंने बाज़ार से लाया है। आधा किलो का कास्टिक सोडा है ये, इसका मैं आधा हिस्सा ही यूज लेने वाला हूँ इस साबुन में। और आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाकर भी खरीद सकते हैं और ये मार्केट में भी अवेलेबल है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, आपको ये कास्टिक सोडे को कभी भी अपने हाथ से ना छूए, क्योंकि बहुत ही स्किन के लिए हानिकारक होता है। कृपया आप इसे हाथ से ना छूए, जितना हो सके इसे हाथ से दूर रखिए, क्योंकि ये बहुत ही हमारे त्वचा के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। इसलिए मैं इसको छू नहीं रहा हूँ। देख लीजिए, आपको दिखा देता हूँ, इसका आधा हिस्सा ही मैं इसमें डाल रहा हूँ, क्योंकि यह आधा किलो कास्टिक सोडा था। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे हाथ से नहीं छूया है और इसे साइड में रख देता हूँ। और अब हमें एक प्लास्टिक के डंडे की सहायता से इसे मिलाना है इस गोल को, ताकि इसको हाथ से मत छूए। मैं एक बार और बोल देता हूँ आपको, ये बहुत ही हमारी त्वचा के लिए हानिकारक होता है। तो आप देख सकते हैं मैं इसको डंडे की सहायता से इस मिश्रण को मिला रहा हूँ। तो इस मिश्रण को अच्छे से मिलने के बाद इसे हमें ठंडा होने के लिए रख देना है किसी ठंडे स्थान पर। तो आप देख सकते हैं अभी तो मैं इसे अच्छी तरह मिला रहा हूँ। तो अब हमें इसे 7 से 8 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए किसी स्थान पर रख देना है और फिर बाद में ही इसका यूज लेना है। तो आप देख सकते हैं अब मैं दूसरी खाली बाल्टी ले लेता हूँ और इसमें एक बोतल की सहायता से 1 लीटर पानी डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इस बाल्टी में पानी डाल दिया है। तो अब हमें वो जो हमने आधा किलो गेहूं का आटा लिया था तो वो इसमें हमें मिलाना है। तो मैं ये आटा इस पानी में मिला रहा हूं और आवश्यकता के अनुसार ही इसमें मिलाऊंगा, क्योंकि मैंने आधा किलो से ज़्यादा ले लिया था ये आटा। तो मैं अभी इस घोल को देखूंगा किस प्रकार का है। आपको भी इस घोल को देख लेना है, इसी प्रकार का आपको भी घोल बनाना है आटे का।
तो आपको पूरी तरह ध्यान रखना है मैं किस प्रकार का घोल बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे घोल को। आपको एक बात की ध्यान रखना है, जब आटे और पानी को मिला रहे हो तो आटे का कोई भी कण बड़ा छोटा नहीं दिखना चाहिए, इसमें अच्छी तरीके से मिलना चाहिए आटा और पानी। इस बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, ये अच्छी तरह मिल जाना चाहिए, एकदम अच्छी तरह ये मिक्सर अच्छी तरह मिल जाना चाहिए दोनों। तो आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छी तरह मिला रहा हूँ डंडे की सहायता से। तो आप देख सकते हैं मैंने जो तेल लिया था 1 लीटर, तो आप देख सकते हैं ये सोयाबीन का तेल है मेरे पास। अब इस मिश्रण में इस तेल को धीरे धीरे कर कर मिलाना है। एक हाथ से इस मिश्रण को मिलाते रहिए और दूसरे हाथ से इस तेल को धीरे धीरे करके इस मिश्रण में आपको डालना है। तो आप देख सकते हैं मैं जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार आपको करते रहना है। तो मैं धीरे धीरे करके पूरा तेल इसमें डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा घोल इस प्रकार का बन चुका है। अगर आपको इसकी कोई सामग्री नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हैं। ये सामान ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है। और ऐसे ही साबुन के वीडियो आपको और देखने हैं तो हमारे चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं, मैंने कई प्रकार की साबुन बनाई है जैसे एलोवेरा सोप, नीम सोप वगैरह और भी बहुत सारी। तो अब हमें जो हमने कास्टिक सोडे का घोल रखा था 7 से 8 घंटे के लिए उसे लेना है और उसे एक हाथ से डंडे की सहायता से हिलाना है और फिर दूसरी जो बाल्टी हमने ली थी जो अभी घोल बनाया था तो उसको इसमें धीरे धीरे करके डालना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस घोल को इसमें डाल दिया है और इसे अच्छी तरीके से मिलाना है इस मिश्रण को, क्योंकि ये क्रिया बहुत ही फास्ट होती है और साबुन एकदम फास्ट तरीके से जम जाता है। आप देख सकते हैं मेरे घोल को, ये देख लीजिए आप, ये घोल अभी जम चुका है और ये बहुत ही गाढ़ा हो चुका है। तो इस घोल को आपको अच्छी तरीके से डंडे की सहायता से मिलाना है और ये अच्छी तरीके से मिलनी चाहिए। इसमें तेल और साबुन जो है वो अलग अलग ना हो, साबुन और तेल और पानी, ये आपको बात ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में इस प्रकार का आपको घोल बनना चाहिए और फिर हमें जो हम जिस पात्र में इसे जमाना है वो पात्र लेंगे और उसमें धीरे धीरे करके इस साबुन को डाल देंगे। तो मैं इसको आज टब में जमा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं इस टब में ये डाल देता हूँ। या आप देख सकते हैं मैं इस टब में डाल दिया हूँ इस साबुन को। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से बनी है। आप देख सकते हैं इसका लुक भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कर देना और आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करना मुझे, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आपको इसको 2 से 3 दिन बाद देखना है ये अच्छी तरह से जम जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये साबुन अभी अच्छी तरीके से जम चुकी है। तो मैं आपको साबुन का लुक बता देता हूँ, बहुत ही अच्छी बनी है साबुन आप देख सकते हैं और जमकर तैयार हो चुकी है हमारी साबुन। अगर आपको इसका रिजल्ट चाहिए, अगर आपको मैं इसका रिजल्ट बताऊं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए मुझे, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, ताकि मैं इससे कोई कपड़ा धोकर बता सकता हूं आपको ये कैसी बनी है साबुन। तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं इसका नेक्स्ट भाग भी लेकर आ जाऊँगा, इसका रिजल्ट देखते हैं किस प्रकार की साबुन है। मैं तो बोलता हूँ ये बहुत अच्छी बनी है साबुन। अगर आपको इसका रिजल्ट भी देखना है तो मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूँगा। बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।